गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड दिस इज नॉट गुड मॉर्निंग, दिस इज आफ्टरनून। क्या हो गया मुझे, आफ्टरनून 2 बज चुके हैं, ठीक है। और दिवाली का दिन है आज, सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। और काफी कुछ काम बचा हुआ है, वैसे सारा हो चुका है, बिकॉज अगर आपने लास्ट ईयर का व्लॉग देखा होगा, हमने सेम डे सब कुछ करा था, बट आज मोस्टली सारा काम हो चुका है, छुटमुट चीजें हैं। बट उससे पहले मुझे कूपर को नहलाना है, और उसके बाद वैभव लेने गए हैं स्प्रे। तो हमने बाहर एक DIY करा है जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो उसमें ना हमें स्प्रे करना है मटकियों में, तो वो DIY आपको दिखाऊंगी, काफी इजी DIY है, तो वो करना है। देन रंगोलियां बनानी है, गिफ्ट्स देने जाना है, खुद भी थोड़ा सा अच्छे से कपड़ों में आना है। मैंने देखा कुर्ती के नीचे अपना जॉगर्स पहना है, तो वो भी करना है। तो बहुत सारा काम बचा है, बट मैंने पहले सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज ना ये ऐसे रह जाएगा। और मैं ना दिवाली के व्लॉग्स और ये सब त्यौहार वाले व्लॉग्स तो हमेशा अपने पास रखना ही चाहती हूँ, थोड़ा सा अंदर की टाइप जाते हैं और मैं थोड़ी अंधेरी दिखूंगी, अब सही दिख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी पूरा स्टार्ट करते हैं। कूपर भाई विश बोलो, हैप्पी दिवाली बोलो, इनको यही चाहिए लाइफ में, बोलो ना हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली। मेरे को पटाखों से इस बार बहुत डर लग रहा है, जैसे ही फूटता है मैं मम्मी पापा के पास घुस जाता हूँ। सो अभी मैं कूपर को नहलाती हूँ, उसको थोड़ा ड्रायर वायर लगा के अच्छा सा बनाती हूँ। मैं और कूपर निकल रहे हैं नहाने के लिए, ऐसे गोदी में बैठा हुआ है क्योंकि वो आता ही नहीं है। नॉर्मली उसको नहाने के नाम से, नहाने के नाम से ही डर है। तो आई लव यू। तो देखो भाग गया, उसको नहाने के नाम से ही डर है। मेरे को लगता है ये मेरा इसको पकड़ने का 8th अटेम्प्ट है, क्योंकि ये भाग जा रहा है। तो अभी मैं सीधे इसे बाथटब में डालूंगी, बाथटब के होने का यही फायदा है, बाथटब से ये बाहर नहीं निकल पाते। अब सीधे नाई नाई, क्या होगी बाबू, नहीं ना थोड़ी देर में। हैप्पी दिवाली बोलो मेरे ब्लॉग में, पता है उसकी ज्यादा आवाज आ रही है। जा रहा हूँ मैं कलर करना, बोलो हैप्पी दिवाली। सो गाइस मैंने भी नहा लिया है और कूपर ने भी नहा लिया है, दोनों ही माँ बेटे नहा धो के तैयार हो। तो मैंने ये स्कर्ट पहनी है, और ये ऑफिस का टॉप था वाइट कलर का, जो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है बिकॉज ऑफ कोविड। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसे ही पहन लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ स्प्रे पेंट करने 2 मटकों में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक DIY करा है, उस पर मुझे स्प्रे पेंट करना है, तो वो स्प्रे पेंट करूँगी और फिर उसे वहीं पर रख देंगे। तो वो अभी मेरा काम है, प्लस मुझे अभी मंदिर में ना नीचे वो कपड़ा था वो सब चीज़ें धोई दाई थी, वो भी ठीक करनी है। और तो ये है मेरा DIY, और इसमें ना 2 मटके हैं ऐसे, तो मैं सोची हूँ इन्हें हम गोल्डन पेंट कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका पेंट फटाफट, ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:30। तो ये काम पहले निपटाते हैं, इसके ये हटाते हैं। तो अब मैं इसको रखने के, क्योंकि ये ड्राई भी हो गए फटाफट, अभी इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं। अब अच्छा भी लग रहा है, एक्चुअली गोल्डन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैं सोची थोड़ा स्प्रे पेंट यहाँ पर भी कर देती हूँ। अभी मस्त लग रहा है, पूरा गोल्डन गोल्डन बढ़िया सा। आधे कुछ है नहीं, तो सूख भी गया, बीच वाला नहीं सूखा, उसे हाथ मत लगाना, ये अभी अभी करा है। हाँ तो करा क्यों नहीं, तूने कहा मैं करूंगी, मैंने कब बोला, मैंने बोला साथ करेंगे। तो मैंने तो बोला ही बहुत सारा है, मस्त लग रहा है ना, सही DIY है सारे बिरयानी के। डाल दे सब, नीचे साफ कैसे होंगे, ये आंटी करेंगी ना आके, हो जाते हैं क्या? हाँ मेरे हाथ में लगा है, देखो ये तेरे हाथ में, ठीक है ये साफ हो जाएगा, हो जाएगा वो, उससे नहीं तो हम लोग वो नेल पेंट, अरे मैं यहाँ पर रंगोली बनाऊंगी अभी। हाँ तो पीछे ये तो बहुत सही लग रहा है, मतलब तो ये ऐसे भी अब मैं हमेशा इसको यहीं रखे रहूंगी। बहुत बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, बहुत सारा, ये तो बहुत सारा बच गया, तुम्हारा पूरा यूटिलाइज हो गया, उन्होंने भी बाहर रख दिया। हाँ उनका उनका भी वहाँ पर है, पिछली दिवाली में हम जानते भी नहीं थे यहाँ कौन रहता है, इस दिवाली में हम यहीं घुसे रहते हैं इस घर में, समय समय की बात है। अभी मुझे मेरे स्टेंसिल्स मिल गए,
अब हम इससे करेंगे यहाँ पर रंगोली। यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बेस्ट पार्ट। कूपर खराब कर देगा। लेकिन कूपर क्यों आए गए हैं? त्रिशूल पहना तो ना, त्रिशूल रोशनी नहीं आ रही परफेक्ट। लेकिन दिया जले, दिया जले, जल जले। बस इतने रंग बहुत है। ये वाला, ये इतना गुलाल गुलाल, चल इतने कि मुझे पूरा डाउट है यार। टीवी में ऐसे ही दिखाते हैं और बहुत से बन जाती है। हट तो सही दिखाता है। इधर दिखा, मैं बनाऊं? ऐसे नहीं बनती, ऐसे बनाती। दिखाना जरा कैसे बनती है, तुम भी दिखाओ। यही नहीं है बनानी तो तू शांत। ये क्या कर, ऐसी बनती है रंगोली में तो? ये सफाई भी तुम ही करना। लो लो बन गई। तब यहाँ तो अभी साफ होगा, यहाँ बनेगी देख। लो हाँ यहाँ भी बना दो। तुमसे ने कहा बड़ी ले लो। हो गया, बन गई। कैसे बनी क्या? मैं ट्राई कर रही हूँ एटलीस्ट। इसको तो एक साल ऐसे क्या करना, बीच में पूल बना देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत बना रहे थे, इसे नीचे रख के ना इसको ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ेगा। अभी वैभव आप कुछ और करेंगे, लेट्स सी, देख लेते हैं। मैंने अभी जब नीचे कम डाला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वाह वाह, ये आर्ट है और ये आर्टिस्ट है। सो गाइस बहुत देर हो गई है, रंगोली हमने बना ली है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। लड़ झगड़ के हमने अपना जैसा ही काम कर दिया है उसमें। और मैंने यहाँ पर जो भी हम लोग गेस्ट फेस आएंगे उनके लिए प्लेट तैयार कर दी है। मंदिर पूरा प्रॉपर रेडी है, बस पूजा करनी है। वैभव अपना कुर्ता प्रेस कर रहे हैं, तब तक अब मैं सोची हूँ डिनर की तैयारी करूँ फटाफट, ताकि फिर और लेट ना हो जाए। एक घंटा ही लगेगा डिनर के लिए। मेरे एक टी शर्ट पे आयरन करनी है। लो तो चाप तो ये है, अब इसे फटाफट मैरिनेट करती हूँ और फिर मुझे बनाना है पालक पनीर और राइस। पहले मैं सोची थी पूरी, बट इतना टाइम नहीं है तो विल मेक पालक पनीर और राइस फटाफट। गाइस हमने पूजा कर ली है आखिरी आखिरकार, खूब सारा लड़ाई करके। लड़ाई करी मैंने जब मेरे से साड़ी नहीं पहनी जा रही थी, मैंने करी थी। तुमको समझ में नहीं आया कि मैं लड़ाई कर रही हूँ। और यहाँ बहुत बारिश हो चुकी है, भयंकर बारिश, घनघोर, इसलिए अब कोई पटाखे नहीं फूट रहे और मैं बहुत खुश हूँ। बारिश हो रही है, बारिश बहुत सुंदर मैया बनाई है। गुड मॉर्निंग एंड दिस इज नेक्स्ट डे। कल बारिश हो रही थी तो इतना कुछ करा नहीं, बस डिनर करा था और अपने फ्रेंड्स के यहाँ बैठे थे और फिर सो गए। और अभी हम सुबह सुबह इसलिए उठे हैं क्योंकि हमें जाना है पुलिस स्टेशन। हाँ जी, दिवाली के दूसरे दिन पुलिस स्टेशन, ये भी एक अलग कहानी है। तो एक्चुअली बता ही देती हूँ, मुझे पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे कल रात ही मैसेज आया था कि मुझे 9 बजे वहाँ पर अपनी हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन। तो मैं और वैभव जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। मैंने ब्रेस फ्रेश कर लिया है, वो रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो गई। अभी मैं कॉफ़ी भी कुछ नहीं पी रही हूँ। हम लोग सीधे पहले वहाँ का काम करेंगे, आके और सोएंगे और फिर उठेंगे, बिकॉज बहुत नींद आ रही है। लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था और बहुत ठंडे मौसम हो गया, इसलिए जैकेट वैकेट पहन ली है। गला पूरा पता नहीं क्यों, सुबह सुबह अगर जल्दी उठ जाओ ना, लेट सोए थे एक्चुअली। कल एकदम से ब्लॉग बंद कर दिया था बिकॉज कुछ हो ही नहीं रहा था, बारिश हो रही थी, कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा था कोई नहीं, आज भी कंटिन्यू कर लूँगी, फिर एक साइड डाल दूँगी, इतना बड़ा कुछ करा नहीं है काम। तो अभी निकलते हैं व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन, क्योंकि मैं व्हाइटफील्ड में रहती हूँ तो मुझे व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन जाना है और देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो वो पुलिस स्टेशन है बड़ा ही सुंदर सा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। जब मैं पहली बार आई थी मैंने वो पुलिस स्टेशन देखा था, पुलिस स्टेशन भी इतना सुंदर हो सकता है। तो अभी हम निकलते हैं वहाँ के लिए और फिर मैं आपको मिलती हूँ। दर्द हो गया। गाइस
शाम के 4:30 बज चुके हैं, एक्चुअली 5 बज चुके हैं, 4:30 तो आधे घंटे पहले थे, और मैं 1 बजे तक आने के बाद ना हम सो गए थे, और मैं 1 बजे उठी, 1 बजे उठ के हमारे नेबर्स आ गए थे तो उनसे ना गपी आए 4 बजे तक, और बस फिर कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा है। इवन मैंने ये ना कल जो पहने हुए थे ना वो भी निकाले, बिकॉज इट वॉज़ वेरी टायरिंग। हम 3-4 दिन से लगातार बहुत लेट सोते हैं, 2-2 बजे, फिर सुबह उठ जाने नॉल की वजह से बहुत टायरिंग था। तो अभी बस आज कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी मैंने फिर कैमरा उठाया, मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, उसके बाद मुझे जाना है मंदिर एक्चुअली आज, तो हम लोग मंदिर जाएंगे। मैंने सोचा चलो कुछ तो कंटेंट मिला, कुछ नहीं हुआ ऐसा, और मौसम देखोगे ना बहुत ही मस्त है इस बार का। ये भी इंजॉय कर रहे हैं, कैमरा देख के मुंह पलट लेते हैं, ये इनका अलग ही है, ये देख पलटता रहेगा। मौसम के कितना प्यारा मौसम है, इतना ठंडा मैंने बैंगलोर में कभी महसूस नहीं करा जितना मैं अभी कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, और कल भी पटाखे नहीं फूटे थे, और आज भी अभी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता हम आज भी पटाखे फोड़ने वाले हैं। तो चीयर्स। टेंपल के ऊपर कूद के कई बजी जोयू ते जो गणेश जी भगवान का काऊ के बेटा जमुना, मतलब जिसके एक बार आया था ना मम्मी के साथ। कूपर, कूपर डर लग रहा है पटाखों से। व्हाट्सअप कुछ कंटेंट दे दो, कुछ कंटेंट दे दो दोस्त। हाँ लैपटॉप उठा ला जरा, देखो जरा क्या हो रहा। काम देते हो तुम, कंटेंट नाम में तो जीरो हो, काम जरूर देते हो। हाँ मैच चल रहा है, कूपर पटाखों से डर रहा है, और ये किसी काम के नहीं है, और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। अब मुझे जलाने हैं दिया। दिया जले, चाँद जले, नैनो तले, नैनो तले। चलो यार हम ब्लॉग समाप्त करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करने को है नहीं, तो ठीक है भाई, गाइस बाय, थैंक यू इफ यू आर वॉचिंग। दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना, और इतना बोरिंग ब्लॉग देख लिया है तो बहुत तुम्हारा दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।